नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। बरमूडा ट्रायंगल एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक नए रिसर्च में यहाँ हादसों के लिए 100 फीट ऊंची उठने वाली लहरों को जिम्मेदार माना गया है। तो आइए जानते हैं इस नई थ्योरी और बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अन्य थ्योरियों के बारे में डिटेल में। बरमूडा ट्रायंगल आधिकारिक तौर पर चिन्हित कोई इलाका नहीं है। दुनिया के किसी नक्शे में भी बरमूडा ट्रायंगल को नहीं दिखाया गया है। ये एक काल्पनिक ट्रायंगल यानी तिकोना इलाका है, जिसके एक कोने पर मियामी यानी कि फ्लोरिडा में, दूसरे पर सैन जुआन यानी कि पुएर्टो रिको में और तीसरे कोने पर बरमूडा है। ये करीब 440,000 मील इलाके में फैला हुआ है। आपको बता दें, पिछले 100 साल में दर्जनों जहाज और विमान गायब होने के कारण इसको शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। पहली बार 1872 में यहाँ से द मैरी नाम का जहाज गायब हुआ था, जिसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद सबसे भयंकर हादसा 5 दिसंबर 1945 को हुआ था, जब 5 बार TPS बम वर्षक विमान फ्लाइट 19 लापता हो गए थे। इन 5 विमानों पर अमेरिकी नौसेना के 14 पायलट एक प्रशिक्षण अभ्यास के लिए गए थे। उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और कुछ नहीं पता चला। बाद में उसकी खोज के लिए एक प्लेन भेजा गया तो उसका भी पता नहीं चला। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दुनिया को उस समय पता चला जब 16 सितंबर 1950 को अमेरिका के एक अखबार ने इसके बारे में छापा। उसके 2 साल बाद एक पत्रिका में एक लेख छपा था, जिसमें फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र था। तब से बरमूडा ट्रायंगल की पहेली सुलझने की कोशिश शुरू हो गई। 1918 में अमेरिकी नौसेना का जहाज USS साइक्लॉप्स भी गायब हो गया था। ये जहाज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बेड़े को ईंधन की सप्लाई करता था। जहाज में 309 लोग सवार थे। जहाज को बाल्टीमोर पहुंचना था, लेकिन कभी नहीं पहुंचा। इसके 2 और साथी जहाज 1941 में इसी रूट पर गायब हो गए। कोलबर्न्स का जहाज 1492 में बरमूडा ट्रायंगल की तरफ गया था। उन्होंने बताया कि एक रात समुद्र में भयानक ज्वाला टकराई और कुछ हफ्ते बाद अजीब सी प्रकाश नजर आए। उनके कंपास में काम बंद कर दिया गया था। इस इलाके में बरमूडा ट्रायंगल का नाम 1964 में मिला। अमेरिकी लेखक विंसेंट गैरिस ने मैगजीन आर्गोजी के फरवरी 1964 संस्करण के लिए कवर आर्टिकल में इस टर्म का इस्तेमाल किया। तब से व्यापक पैमाने पर इस इलाके के लिए बरमूडा ट्रायंगल टर्म का इस्तेमाल होने लगा। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरियां हैं। किसी का कहना है कि यहाँ शैतानी ताकतें रहती हैं, तो कोई हेक्सागनल बादलों की थ्योरी देता है, एलियन थ्योरी। कुछ लेखकों का कहना है कि इस इलाके में जहाजों और विमानों को गायब होने के लिए UFO जिम्मेदार है। उनका मानना है कि एलियंस इस इलाके को पृथ्वी से अपने ग्रह पर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इंसान, जहाज या विमान इस इलाके में पहुंचता है, तो वो इसे रिसर्च के लिए अपने कब्जे में ले लेते हैं। गुमशुदा अटलांटिस शहर। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि कभी इस ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस नाम का एक शहर बसा हुआ था। उस शहर को जिस रहस्यमय क्रिस्टल से ऊर्जा की आपूर्ति होती थी, वो अभी भी समुद्र की पैंदी में है, जिससे ऊर्जा की भयंकर तरंगें निकलती हैं। जब जहाज और विमान इन तरंगों की चपेट में आते हैं तो तबाह हो जाते हैं। विशालकाय पिरामिड। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रायंगल वाले इलाके में समुद्र के नीचे एक विशालकाय पिरामिड है, जिससे टकराकर जहाज और विमान तबाह हो जाते हैं। अफ्रीकी गुलामों की आत्मा। एक थ्योरी ये भी है कि ट्रायंगल उन गुलामों की आत्मा से बना है जिनको सी कैप्टन्स ने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ फेंक दिया था। डॉक्टर केनीथ मैकॉल ने अपनी पुस्तक हीलिंग द हॉन्टेड में लिखा है कि इस खतरनाक इलाके में भूतीय आवाजें सुनी जा सकती हैं। सरकारी परीक्षण। एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिकी नौसेना का अटलांटिक अंडरसी टेस्ट एंड इवेल्यूशन सेंटर रहस्य में बरमूडा ट्रायंगल में स्थित है। इसका इस्तेमाल पनडुब्बी, हथियारों, सोनार, गुप्त परियोजना और एलियन संबंधित टेक्नोलॉजी की जांच के लिए किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसी कारण यहां से जहाज गायब कर दिए जाते हैं। शक्तिशाली समुद्री तूफान। अटलांटिक महासागर में शक्तिशाली समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिसने हजारों लोगों की जानें लेनी है। इन तूफानों को प्राइड ऑफ बाल्टीमोर समेत कई जहाजों के डूबने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। 14 मई 1986 को प्राइड ऑफ बाल्टीमोर डूबा था। कहा जाता है कि इन तूफानों के बीच में फंसकर जहाज और विमान डूब जाते हैं। मेथेन हाइड्रेट्स। एक थ्योरी मेथेन हाइड्रेट्स को भी समुद्री जहाजों और विमानों को गायब होने के लिए जिम्मेदार मानती है। माना जाता है कि क्षेत्र में मेथेन हाइड्रेट की बहुलता है। पृथ्वी के धरातल के नीचे जब अचानक भूस्खलन होता है तो गैस का बुलबुला निकलता है, जिससे पानी का घनत्व नाटकीय तौर पर कम हो जाता है। पानी का घनत्व इतना कम हो जाता है कि जहाज अचानक डूब जाता है। इसके अलावा ये गैस विमानों के भी टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता रखती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉग।
बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर आसमान में खूब तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक फॉग बन जाता है, जिससे बीच जब कोई समुद्री जहाज या विमान आता है तो उसका उपकरण काम करना बंद कर देता है। इंसान की गलती। ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल यहाँ घटनाओं के लिए इंसान के खुद की गलती को मानते हैं। इसी तरह उनके जैसे कुछ और लोग भी हैं जो मानवीय त्रुटि को जिम्मेदार मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि चारक दल के सही से प्रशिक्षित नहीं होने पर इस तरह का हादसा होता है। एक नई थ्योरी हेक्सागोनल यानी कि छह किनारों वाला बादलों को यहाँ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माना गया है। इसके मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के आसमान में हेक्सागोनल बादल बनते हैं और इसके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बहती हैं। इन हवाओं के कारण 45 फीट की ऊंचाई तक लहरें उठती हैं और फिर बहुत तेजी से नीचे आती हैं। ये लहरें एयर बम की तरह काम करती हैं। ये एयर बम काफी शक्तिशाली होते हैं जो जहाजों और विमानों को तबाह कर देते हैं। सबसे नई थ्योरी। कुछ दिनों पहले एक थ्योरी में कहा गया है कि यहां 100 फीट ऊंची लहरें उठती हैं, जिसके बीच आकर जहाज और विमान नष्ट हो जाते हैं। नासा ने सैटेलाइट से धरती की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा हटा सकती हैं। इसने अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते बादलों की भी तस्वीरें हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वहां की भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम में छुपा है। इसकी वजह से अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री विमान और प्लेन गायब हो जाते हैं और उस क्षेत्र पर चुंबकीय घनत्व के प्रभाव की बात भी स्वीकार की गई है। खबर पर फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।